सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्वर किसे कहते हैं उसका अभ्यास किया था और मैं दिखाया था, तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब आते हैं व्यंजन की ओर। तो हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन किसे कहते हैं वो हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। हम वर्णमाला बोलते तो है पर हमको पता नहीं होता कि किसे स्वर कहते हैं और किसे व्यंजन। तो आज हम वो चार वर्ण जिसको व्यंजन कहते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन है वो अकेले नहीं आती, व्यंजन के साथ स्वर जुड़े होते हैं तभी जो एक वर्ण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो देखिए ये क है, क क ग प द ऐसे पूरी वर्णमाला आती है। आज हम चार वर्णों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो हम ये जो पूरा क है, क है, व है और ग है वो पूरे रूप से यहाँ पे दिया गया है, पर ये कैसे बनता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो ये जो क है वो क ऐसा है, पर ये क में अगर हम अ मिला ले, क्योंकि आपको पता ही है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर अ आ ई जैसे स्वर है, तो ये स्वर यहाँ पे मिला लिए जाए तो हमको पूर्ण रूप से वर्ण प्राप्त होगा, यानी कि व्यंजन प्राप्त होगा। वैसे ही ख, तो ख भी ऐसा है, ख के साथ में अगर अ मिला दिया जाए तो पूर्ण रूप से क हमको प्राप्त होगा। वैसे ही ग, ग के साथ अगर अ मिला दिया जाए तो बन जाता है ग, और घ यानी कि यहाँ पे घ और ये अ, तो इसके साथ अगर घ के साथ अ मिला दिया जाए तो बन जाता है घ पूर्ण रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ण है इसको हम व्यंजन कहेंगे, ये पूरे व्यंजन के रूप में इसको हम व्यंजन कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आधे रूप में है, ये आधे रूप, ठीक है। पूर्ण रूप से तभी बनेंगे जब इसमें हम स्वर मिलाते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेला क ही मिलता है, अगर हम क के साथ ई मिला लें तो बन जाता है ई, ठीक है। अगर क के साथ आ मिला लें तो बन जाता है का। तो ये सभी मात्राएं हैं, ये स्वर यहाँ पे अगर लगा दिया जाए तो विवरण आता है उसके साथ, तो हमको पूर्ण रूप से वो व्यंजन है वो हमको प्राप्त होगा, वो वर्ण है हमको प्राप्त होगा। पर जब भी पूर्ण रूप से हमको ये वर्ण प्राप्त होता है तभी हम कोई नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आज के दिन आपको यही सीखना है कि ये वर्ण है वो किस रूप में प्रस्तुत होते हैं और उसमें क्या मिला ले तो उसका रूप है वो सही तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो आज के दिन इतना ही, अस्तु, जय हिंद।